हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल पॉसिबल 11 ड्रीम 11 प्रेडिक्शंस एंड टीम्स अपडेट। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में जो सेकंड T20 खेला जाएगा उसके लिए। तो चलिए, जिसके लिए टीम बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हमारी प्लेटफॉर्म जो कि पॉसिबल 11 एप्लीकेशन, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सारी स्ट्रेटजिक्स मिल जाएगी विद एनालिसिस। चलिए वहाँ चलते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप दोनों ही तरफ आपको प्लेइंग 11 देखने को मिलेगा, पॉसिबल प्लेइंग 11। कुछ चेंजेस दोनों ही साइड में होने की चांसेस पूरी है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले सबसे बड़ी अपडेट बता दूं कि M.STARC अनअवेलेबल होंगे, उनकी ब्रदर की शादी है तो सीन एबॉट उनकी जगह खेल सकते हैं, ऐसी हमारी जानकारी मिली हुई है। और श्रीलंका के साइड से चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि वो लास्ट मैच बहुत ही गंदी तरीके से हारे थे और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह उन्हें डोमिनेट किया था। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग मैच प्रीव्यू में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया ने, 234 का टोटल दिया था और श्रीलंका सिर्फ 99 में 9 विकेट्स आउट हो गई थी। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा श्रीलंकन साइड के लिए कि बाउंस बैक करे और ये मैच जीतने का सोचे भी। तो फिर आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में। तो सबसे पहले कि वॉर्नर A.FINCH का बहुत ही अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप रहा, वन डाउन मैक्सवेल आए थे, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की, एक्सक्लूसिव बैटिंग की। D.WARNER का एक शतक आया लास्ट मैच में, वो कि बहुत ही अच्छा बैटिंग करते हुए आया, 55 बॉल में शतक मारा उन्होंने। फिर जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, ग्लेन मैक्सवेल ने 62 रन की पारी खेली मात्र 28 गेंदों में और स्टीव स्मिथ को बैटिंग नहीं मिली, जिस तरह से हम लोग क्रेडिट इशू के कारण उन्हें नहीं खिलाया था, उनकी बैटिंग आई भी नहीं, तो हमारी टीम सक्सेसफुल रही थी। M.STARC अवेलेबल नहीं है जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अब श्रीलंकन साइड में आया तो यहाँ पर कई चेंजेस हो सकती है इस टीम में, जैसे कि अविष्का फर्नांडो आ सकते हैं और बॉलिंग में भी चेंजेस हो सकते हैं, इरुशुदाना आ सकते हैं टीम में क्योंकि ये लास्ट मैच में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा था। कौशन रचिता ने 4 ओवर के इनके बॉलिंग परफॉर्मेंस में 75 रन कंसीड किए इन्होंने। आ जाते हैं फैंटेसी टिप्स पे, तो कुशल परेरा सबसे अच्छे ऑप्शन रहेंगे, शायद श्रीलंका बाउंस बैक करेगा। फास्ट बॉलर का रोल रहेगा इस पिच पे, जैसे कि ये गैबा ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। टॉप ऑर्डर बहुत ही तगड़े फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया की, और कॉम्बिनेशन अगर आपको बनाना है जो टीम कॉम्बिनेशन वो 7-4 के साथ चाहिए, मतलब कि 7 ऑस्ट्रेलिया जितने ज़्यादा हो सके उतने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर खिलाएगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करेगी। की प्लेयर आपको देखने को मिल जाएगा विद स्टैटिस्टिक्स, उनका रन और फॉर्म कैसा था लास्ट मैच में, दोनों ही टीमों का आपको मिल जाएगा, आपको बेस्ट परफॉर्मर यहाँ पर मिल जाएगा रिस्पेक्टिव टीम से। तो आगे बढ़ते हैं, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन का लिस्ट मिलेगा जिसमें आपको फिंच, वॉर्नर, स्मिथ, गुलतन का, मेंडिस और परेरा देखने को मिल सकते हैं, रिस्की और डाउटफुल प्लेयर जिनका खेलना ऑलमोस्ट सर्टन नहीं है, उसमें आपको एडम जैम्पा यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर आ जाते हैं वेन्यू और पिच रिपोर्ट में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ 1:40 में ये मैच शुरू होगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार, द गाबा ब्रिस्बेन मैच खेला जाएगा, ये न्यूट्रल होगा विकेट, थोड़ा पेसर्स को मदद मिलेगी इस सरफेस पे, थोड़ी क्लाउड होगी, मैच अच्छा लेकिन होगा, कोई बारिश की संभावना या नहीं है। इस वेन्यू पे 4 मैच खेले जा चुके, 3 बैटिंग पहले करने वाला जीता, 1 बाद में बैटिंग करने वाला जीता है और 178 एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है, ये बैटिंग विकेट है, अच्छी बैटिंग विकेट है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग ड्रीम 11 पे टीम बनाने के लिए। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग ड्रीम 11 पे। तो सबसे पहले कि कुशल परेरा, जैसे कि हम लोगों ने कहा था ये एज कम्पेयर टू द अदर विकेट कीपर सबसे अच्छे विकल्प रहेंगे। बैट्समैन के सेक्शन में आते हैं तो वॉर्नर शतकवीर लास्ट मैच के, स्टीव स्मिथ को हमने फिर ड्रॉप किया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बैटिंग शायद नहीं आएगी फिर से और उनका क्रेडिट भी बहुत ज़्यादा है। एरन फिंच को हमने अपनी टीम में लिया, इनका भी अच्छा प्रदर्शन था, गुणतिलका को अपनी टीम में लिया है। अविष्का फर्नांडो अगर खेलते हैं तो आप इन्हें अपनी टीम में खिला सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको अपडेट मिल जाएगी और जैसे कि आपको अपडेट मिल जाएगी आप अविष्का फर्नांडो को खिला सकते हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर है। इस बार मैंने अपनी टीम में 4 ऑलराउंडर रखे हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया भी है मैंने पहले कि T20 में ऑलराउंडर्स का बहुत ही वाइटल रोल होता है। तो मैंने मैक्सवेल को रखा हुआ है, शनका को रखा है, हसरंगा और ऑस्टिन एगार को रखा हुआ है। बॉलिंग में M.STARC को नहीं लीजिएगा, वो अवेलेबल नहीं है, वो मैच नहीं खेलेंगे, आप पैट कमिंस को लीजिएगा, लसिस मलिंगा को मैंने लिया है और एडम जैम्पा को। तो ये मेरी टीम है, शायद बिली स्टैनले का खेलने का चांस है, उदाना का खेलने का चांस है, तो अगर ये खेलते हैं तो आप टीम एडिट कर सकते हैं, आप
आपको एक और टीम हमारी टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कीजिए। तो ये हो गया हमारा टीम प्रीव्यू विद कैप्टन, हमने वॉर्नर को पिक किया, वाइस कैप्टन क्लेन मैक्सवेल को, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर और 3 बोलर्स, ये है हमारी पूरी टीम। तो आप लोगों को जैसे फिर मैं बता दूं, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और हमारी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कीजिए, आपको एक और टीम टॉस के बाद भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया जाएगा, तो आप हमारी चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सो ये थैंक यू गाइज एंड होप यू विल हैव अ ग्रेट मैच।